लोकसभा चुनावों से पहले सुजानपुर के ऐतिहासिक मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। इसे लेकर एक प्रस्ताव सुजानपुर भाजपा मंडल की ओर से हिमाचल भाजपा कमान को भेजा जाएगा। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र भाजपा प्रवक्ता शक्तिचंद पठानिया और अमरदीप राणा ने सुजानपुर विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता में कहा कि सुजानपुर के ऐतिहासिक मैदान में पहले भी देश के प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। ऐसे में क्षेत्र के लोगों की इस बार फिर से मांग है कि लोकसभा चुनावों में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री इसी मैदान पर आएं और एक चुनावी जनसभा को संबोधित करें। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पूरे भारत की सभी विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 हजार भाजपा के झंडे लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में यह कार्य शुरू किया गया है। मेरा परिवार भाजपा परिवार कार्यक्रम के तहत पार्टी का झंडा और पार्टी का पोस्टर लगाकर इस अभियान को चलाया जा रहा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने वाली सरकार सिद्ध हुई है। केंद्र की अनेक योजनाओं का फायदा देश की जनता ले रही है। हाल ही में बजट में घोषित किसान समृद्धि योजना के तहत जो वायदा किया था उसमें 6,000 रुपए किसानों को देने के लिए कहा गया है। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा पर भी सीधा हमला बोलते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से पहले वह खुद को देख लें। मोदी के ऊपर बयानबाजी करने से पहले वह उस मुकाम तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि झूठ की राजनीति कर उन्होंने क्षेत्र की जनता को लोक लुभावने सबने दिखाए थे और क्षेत्र की जनता उनके बहकावे में आ गई थी, लेकिन अब यहाँ की जनता विधायक राजेंद्र राणा के झूठ के प्रलोभन में आने वाली नहीं है। टौनी देवी क्षेत्र की जनता विधायक से 100 बिस्तर का अस्पताल मांगती है, क्षेत्र के लिए ITI की मांग करती है, क्षेत्र के लिए सब ट्रेजरी की मांग करती है, क्योंकि ये सभी घोषणाएं उन्होंने यहाँ की जनता के सामने की थी। सभी घोषणाएं उस समय के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उनके कहने पर यहाँ की थी, लेकिन एक भी योजना धरातल पर नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में विधायक इन कामों को पूरा करने का कार्य करें, उसके बाद ही किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश करें। इस मौके पर सुजानपुर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष अंकुश गुप्ता, नगर परिषद अध्यक्ष अशोक मेहरा, उपाध्यक्ष कमलेश कुमारी, मनोनीत पार्षद उपस्थित रहे। अपनी तरफ से मंडल की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि सुजानपुर को चुना जाए और सुजानपुर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जरूर आगमन हो गया, ये हमारी पूरी पूरा प्रयास होगा। बीमा योजना हो, चाहे जितने भी मतलब परिवारों के गरीबों के लिए चले हुए हैं योजनाएं चलाई गई हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उसी प्रकार है कि सबसे पहले है अपना बूथ सबसे मजबूत, उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और बूथ अध्यक्ष और जो पन्ना प्रमुखों की टीम है और जो प्रमुख लोग हैं हमारे उस बूथ के ऊपर, वो घर घर जाके लोगों को अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, जो कि मोदी सरकार ने पिछले 4 या 5 साल में और जो हमारी अभी हिमाचल प्रदेश के बीच में जयराम सरकार है उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। हर जगह जाकर के इस धार पर वोट लिए उस तरह, और आगे बात करें रफेल के और दूसरे के लिए और इंटरनेशनल लेवल की बात करें बधाई कराने की, तो पहले तो ये उस लेवल तक पहुँच है ना, उस लेवल तक तब बात करें। आगे संगठन की जहाँ तक बात है, कांग्रेस का जो संगठन है लेकर कौन है जिनके साथ उन्होंने इसको इसके बेटे को जिसके लिए टिकट के लिए राजा वीरभद्र के पांव तले चाट करके ये कर रहा है विधायक राणा जी जा करके और कह रहे हैं कि इस ढंग से हम ये करेंगे, तो आज वो संगठन के लोग कौन इनके साथ है जो इसके बेटे के महासचिव का पद था और दिया हुआ और इसमें तीनों पोस्टर थे उसी संगठन ने इनको हटा दिया। तो इस आधार पर जो पीछे लोगों को ठगा, तो हमारे सुजानपुर मंडल में दोनों ब्लॉकों में टौनी देवी और इसमें सुजानपुर में तो जो वायदे किए थे वो तो पूरा कोई नहीं किया, मेन जो लोकल वायदे इन्होंने खुद किए थे। ये बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं कि जी वहाँ पर फिर सुजानपुर से एस्टूडियो के लिए राजन मेहता की रिपोर्ट।